सर मैं इन्वेडर्स ऑफ द रोकोजुबा एनिमे सीरीज के एपिसोड 5 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सानाए को दिखाया जाती है जहाँ पर सानाए अकेली बैठी रहती है और बोल रही होती है कि मैं एक बहुत बड़ी इडियट हूँ, मैं ही उससे पहले झगड़ा कर रही थी। लेकिन अभी तभी हमें पीछे से सानाए के पीछे से वो दोनों अजीब टाइप का लोगों को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा बोलता है टारगेट स्पॉट है, दूसरा बंदा बोलता है कि वो अकेली है एक्सीलेंट। तभी सानाए बोलती ऑल राइट मैंने डिसाइड कर लिया, मैं वैसे ही रहूँगी जैसे मैं कोटारू से मिलने से पहले थी, मैं उस समय काफ़ी बढ़िया थी, वो मेरी एनिमी है, लेकिन मुझे अभी के लिए यही बिलीव करना पड़ेगा। तभी पीछे से वो बंदे सानाए के ऊपर हमला करते और इधर ही यार ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। फिर ओपनिंग सॉन्ग जैसे ही ख़त्म होता है हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी बीच में सानाए को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे नहीं मिलता। तब हमारे एमसी बोलता है डैम इट सानाए कहाँ भाग गए हो तुम, अभी लंच टाइम लगभग हो ही गया है। तभी उन्होंने एमसी बीच की तरफ देख कर बोलता है कि वो यहाँ पर भी नहीं है। तभी से ऐसे साकुरोबा सिंपा आ जाती है और साकुरोबा सिंपा बोलते हैं तुम आज अकेले। तभी उन्होंने एमसी साकुरोबा सिंपा की तरफ देख कर बोलता है कि साकुरोबा सिंपा। तभी साकुरोबा सिंपा बोलते हेलो देयर, तुम्हारे वो सब फ्रेंड्स कहाँ गए जो कल मिले थे। तभी उन्होंने एमसी बोलते असल में मैं अभी अकेले सोलो घूम रहा हूँ। तभी साकुरोबा सिंपा बोलते क्या कुछ हुआ है। तभी हमारा एमसी बोलता है वेल, फिर सीन चलाया था यूरिका की तरह, जहाँ पर यूरिका भी जंगल में सानाए को ढूंढ रही होती है और यूरिका बोलते कहाँ गई वो, यहाँ पर तो नहीं दिख रही। तभी यूरिका को एक आवाज़ सुनाई देता है और वो और किसी का नहीं वो सानाए का होता है, जहाँ पर सानाए बोल रही होती है मुझसे दूर रहो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। तभी हमें सानाए को दिखाया जाते हैं जहाँ पर उसे किसी टाइप का घोष से ही बात दिया जाता है और सानाए बोलते क्या तुम लोग भी घोष दो, हाँ तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो। तभी वो दो अजीब टाइप का दिखने वाले बंदे आते और बोलते हैं तुम्हारा कोशिश बेकार है, वो जो बीस्ट है वो घोस्ट है, वो हम लोगों का एम्प्लॉय है। तभी उन दोनों को देख के सानाए बोलते तुम दोनों तो वो अजीब टाइप का दिखने वाले लोग हो ना जिससे हम कल मिले थे। तभी एक बंदा बोलता हम लोग अजीब टाइप का दिखने वाले लोग नहीं है, हम लोग घोस्ट हंटर है। तभी सानाए बोलते घोस्ट हंटर। तभी और एक बंदा बोलता है कि हम लोग घोस्ट को पकड़ते हैं और उसे बेच देते हैं। ये सुनकर सानाए शॉक हो जाती है, सानाए बोलते क्या तुम मुझे भी बेचने वाले हो। तभी और एक बंदा बोलता है क्या तुम्हें कोई शक है, तुम्हारा जैसा घोस्ट का कीमत काफ़ी ज़्यादा होगा। भी वो सब घोस्ट सानाए की तरफ आने लगते मनी मनी बोल के और सानाए बोलते दिखनी नहीं चाहती रुक जाओ। तभी ये सब दूर से यूरिका देख लेती है छुप कर। तभी यूरिका मन में ये सोचने लगती है कि मुझे सानाए सन को बचाना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे अजीब टाइप का दिखने वाले चीज़ें हैं, मैं क्या करूँ सातुमी सैन, कोई तो मदद करो। तभी यूरिका मन में ही साकुरोबा सेनपाई को इमेजिन करती है, जहाँ पर उस टाइम में साकुरोबा सेनपाई ने यूरिका को बोली होती है ना कि मुझे उम्मीद है कि तुम कर सकते हो, मुझे पूरा यकीन है। तभी यूरिका के मन में कॉन्फिडेंस आ जाती है, यूरिका बोलते हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं हुई एक मैजिकल गर्ल जो सही के लिए लड़ती है हमेशा, रेनो गर्ल यूरिका। तभी यूरिका ट्रांसफॉर्म जैसे ही होने वाली होती तभी साइड से उसका जो क्लब है ना जिसमें वो ज्वाइन करी थी या फिर ज्वाइन करवा दिया गया था, उन क्लब की मेंबर आ जाता है, यूरिका को पकड़ लेते हैं, बोलते फाइनली कॉस्प्ले गॉड ने हम लोगों को एक मिराकल गिफ्ट दिया, और ये बोल के वो लोग यूरिका को पकड़ के उठा के ले चले जाते। फिर सीन चलाते हमारे एमसी और साकुरोबा सेनपाई की तरफ, जहाँ पर साकुरोबा सेनपाई बोलते तो तुम दोनों का झगड़ा टाइप का कुछ हुआ। तभी हमारे एमसी बोलते हाँ वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, भाग के चली गई और वो अभी तक वापस नहीं है। ये सुन के साकुरोबा सेनपाई बोलते क्या तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है ऐसा क्यों है। तभी हमारा एमसी बोलते आई गेस, तभी हमारे एमसी उस टाइम को याद कर रहा होता जहाँ पर हमारे एमसी सानाए को बोल रहा होता है कि तुमसे ही कह रहे हो हम दोनों एनिमी है, डेफिनेटली एनिमी। तभी प्रेजेंट टाइम में हमारे एमसी साकुरोबा सेनपाई को बोलता है कि मैंने तो उसे बस सच ही बोला था। तभी साकुरोबा सेनपाई बोलती सच। तभी हमारे एमसी बोलते हाँ और ऐसा हम दोनों के बीच में काफ़ी सारा और भी कॉन्जर्वेशन हुआ था, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार था। तभी साकुरोबा सेनपाई स्माइल करती है और साकुरोबा सेनपाई बोलते मुझे लगता है कि मैं फील कर सकती हूँ कि उसे कैसा लगा होगा। तभी हमने ऐसे बोलते हाँ। फिर सीन चलाते हैं कार्य के अंदर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सानाए को कैद करके रखा गया है। सानाए बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे बाहर जाने दो, तुम लोगों को मुझे बेचने नहीं दूंगी। लेकिन सानाए उस एक शीशा टाइप का जगह से बाहर नहीं निकल पा रही होती। तभी साइड से एक लड़की बोलती है थोड़ा सा तो आराम कर लो। तभी सानाए उसकी तरफ देख के बोलती है तुम। तभी वो लड़की बोलती है मेरी तरह ऐसे मत देख, शायद तुम एक ऐसे ओनर के घर में बेच दिया जाओ जहाँ पर तुम्हें एक अपना घर ही मिल जाए पूरा। तभी सानाए बोलते कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। तभी वो लड़की बोलते हो क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्लेस है जिसे तुम अपना घर बोल सकती हो। तभी सानाए बोलती कि ऐसा मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया अपार्टमेंट है, कॉर्नल हाउस अपार्टमेंट नंबर 106। तभी वो लड़की स्माइल करती है और बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि वहाँ रहने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। तभी सानाए बोलते प्रॉब्लम,
तभी वो लड़की बोलती, कम ऑन, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि वो लोग तुम्हें उस रूम में रहने देना चाहते है? तभी सना बोलते हाँ। तभी वो लड़की बोलते, अपने दिमाग को एक सेकंड के लिए यूज़ करो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं रहेगा जो एक हॉन्टेड हाउस में रहना भी चाहेगा। तभी सना बोलते ऐसा नहीं। तभी सना हमने एमसी को याद कर रही होती है, और सना बोलती ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो लड़की बोलती कि जो लोग जिंदा है ना, उन लोगों की आँखों में हम लोग बस एक नॉनसेंस है। तभी सना बोलती क्या मैं, तभी वो लड़की स्माइल करती है, बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग शाम को किसे पुकारते हैं? ये सुन के सना शॉक हो जाती है। तभी वो लड़की बोलती है कि वो लोग बस हमसे पीछा छुड़वाना चाहते हैं। कुछ लोगों को शायद पता भी है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग इसमें कोई इंटरेस्ट रखते भी है, थोड़ी से भी नहीं। सना काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, और सना हमारी एमसी को याद करती है। तभी वो लड़की बोलती है यही सच है। तभी सना बोलती है हाँ यही सच है। फिर सीन चला जाता है हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पर साकुरा बस सीन पर बोलते अच्छा ठीक है सुनो, हम लोग एक नाइटिंग सोसाइटी क्लब का मेंबर से, राइट? तभी हमारे एमसी बोलते हाँ। तभी साकुरा बस सीन पर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि आत्मिक कौन और मैं बस ऐसे ही कोइंसिडेंसली एक ही क्लब में। तभी हमारे एमसी बोलते क्या, लेकिन तभी साकुरा बस सीन पर बोलते लेकिन मैं तो बस सच ही बोल रही हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी बुरा लगे अगर तुम ऐसे ही बात मुझे बोलो, तो तुम्हें कैसा लगा? तभी हमने एमसी बोलते फीलिंग्स को थोड़ा हर्ट हुआ। तभी साकड़ो सिंपाई बोलते हैं तुम्हारा उस दोस्त को भी ऐसा ही लगा होगा। तभी हमारा एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है, और साकड़ो सिंपाई बोलते कि जैसा भी हो कि तुम जितने भी सच बोल दो, लेकिन तुम दोनों ने बहुत ही टाइम एक साथ स्पेंड किया और अपने अपने को इन्वॉल्व किया है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक फ्रेंड की तरह देखो और वो भी शायद ऐसे ही चाहती है। तभी हमने एमसी बोलते क्या सच में? तभी साकुरा सेनपाई बोलती है कि हमें गलत हो। तभी उन्होंने ऐसे बोलना नहीं, लेकिन तभी साकुरा सेनपाई बोलती है कि तुम उसे ढूंढने के लिए इतना मेहनत करो क्योंकि बस वो एक स्ट्रेंजर है तुम्हारे लिए। तभी हमारे एमसी उस पल को याद कर रहा होता जितने इतने पल वो सना के साथ याद किया। तभी हमारे एमसी खड़ा हो जाता, बोलते थैंक यू साकुरा सेनपाई, बोल के हमारे एमसी वहाँ से निकल जाता है, और वो सना का ढूंढते ढूंढे जा रहा था। सना कहाँ हो? तुम्हारे एमसी थोड़ा सा आगे आकर देखता है कि यूरिका को उसी क्लब में मानो किडनैप करके लेके जा रहे। तभी उसकी क्लब कॉस्प्ले क्लब के प्रेसिडेंट बोलते हैं साथ में कौन, हम लोग फिर से मिल गए। तभी हमारे एमसी बोलते ये सब क्या हो रहा है? तभी वो लड़की बोलते मैंने तुम्हें बताया था ना, हम लोग इस चांस से मुलाकात हो गया था, लेकिन मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था मैं यूरिका चैन को ऐसे भागने नहीं दूंगी। और तभी यूरिका हमारे एमसी से कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके मुंह बात देने की वजह से वो बता नहीं पा रही होती। तभी हमारे एमसी बोलते यूरिका, तभी हमारा एमसी कॉस्प्ले क्लब के प्रेसिडेंट को बोलता है कि क्या मैं यूरिका से थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ? तभी कॉस्प्ले क्लब के प्रेसिडेंट बोलती है हाँ क्यों नहीं। तभी हमारे एमसी बोलते घोस्ट हंटर, तभी यूरिका बोलते हाँ वो घोस्ट हंटर सानाए को पकड़ के ले भाग के, वो लोग काफ़ी बुरे थे। तभी हमारे एमसी बोलते अच्छा थैंक यू, ये बोल के हमारा एमसी चला जाता है। लेकिन तभी यूरिका बोलते हैं मैं तुम्हें बताना चाहती कि मुझे भी खोल के जाओ। तभी फिर से रूम के अंदर सीन चला देना, तुम्हें बोलते क्या वो जो कल मिले अजीब टाइप का दो बंदी, वो लोग सानाए को किडनैप कर लिए? तभी हमारे एमसी बोलते हाँ वो लोग तुम दोनों को नहीं पकड़ना चाहते, वो लोग कल बस सानाए को ही पकड़ने चाहते थे। तभी हमारे एमसी बोलते हाँ ऐसा लग भी रहा है कि उन लोगों के पास भी घोस्ट है जो सानाए को वहाँ से भागने नहीं दे रहा है। तभी क्रिया बोलते तो हम लोगों को अमरन इस बार एक घोस्ट होने वाला है। तभी रोहित बोलते लेकिन हम लोगों को पहले पता लगाना पड़ेगा कि सानाएर का लोकेशन है कहाँ। तभी लैंडलेडी बोलती है मेरे पास एक चीज़ है, और लैंडलेडी एक घोस्ट लोकेटर निकालती है बाहर, वो बोलती है कि ये लोकेट कर देगा कि सानाएर कहाँ पर है। तभी तुरी बोलते बहुत ही बढ़िया सीजू का, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और तभी हमारे एमसी बोलते प्लीज़ काम करना, और हमारे एमसी उसका ऑन बटन दबा देता है। तभी वो घूमने लगता है, घूमते 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 वो बास्ट हो जाता है, और रोहित तभी तुरी को बचा लेती है। तभी हमारे एमसी बोलते कि क्यों हुआ? तभी कन्मा आकर बोलते हैं कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर संभाल नहीं पाया, वो काफ़ी ज़्यादा पुराना था इसलिए वो पास्ट हो गया। उन्होंने एमसी बोलते सिंपल लैंग्वेज में प्लीज़ बताओ ना। तभी लैंडलेडी बोलती कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तभी तुरुक बोलते तुम्हारी गलती नहीं है सेजू का। तभी तुरुक बोलते मुझे फिर से शिप में जाकर कुछ काम करना पड़ेगा। तभी रोहित बोलते लेकिन हमारे पास ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि घोस को लोकेट कर सके। तभी क्रिया आ जाती, क्रिया बोलते चिंता मत करो मेरे पास एक आइडिया है, कर्मा कुर्मा। तभी कर्मा कुर्मा एक होलोग्राम रेडी कर रहा होता है, वो होता है मानो उसी चीज़ का जो एक घोस लोकेटर है। तभी ये सब देखा हमने एमसी बोलता लेकिन तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी क्रिया बोलती है ऐसे रिलैक्स, मैं बस इसलिए ये सब कर रही हूँ कि तुम मेरे एहसान मंद रहोगे हमेशा। तभी तुरुप बोलते मैं भी बस ऐसे ही कर रहा हूँ। तभी लैंडलेडी बोलते चिंता मत करो साथ में कौन, हम लोग उस घोस्ट हंटर का बहुत ही अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे। मैंने एमसी खुश हो जाता, बोलते यू गाइस। तभी कर्मा कर्मा ऊपर आ जाता, बोलते स्कैन कंप्लीट हो गया, हम लोग को मिल गया वो कहाँ पर है। तभी हमारे एमसी खड़ा हो जाता, बोलता कि तो चलो सानाए को वापस ले आते। और इधर यार एपिसोड 5 का पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा। तो यार प्लीज़ यार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल में नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय सिया।